पेट के बाहर से आया, यानी हत्यारे घर में मौजूद थे। यही तो समझ में नहीं आ रहा, उनकी बीवी घर में थी और कातिल घर के अंदर कैसे घुस गया। ये भी तो हो सकता है कि हत्यारे पहले से घर पे आके बैठे, जैसे ही पुनीत अंदर आया पीछे से बाहर करके पुनीत का काम तमाम कर दिया। लेकिन ऐसा करेगा कौन? हो सकता है कातिल को मालूम हो कि उसकी बीवी उसका कोई घर में नहीं है, और वो घर के बाहर अगर वार करता तो रात गए भोजपुर के पड़ोसी जाग जाते। पड़ोसी? मुझे तो यहाँ दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा, लोगों ने फ्लैट कब्जा लिया नहीं अभी। तो घर के अंदर घुस कर हमला करने की क्या वजह हो सकती है? ये बात तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही। मुखबिरों से मकतूल के बारे में जो पता चला है उसके मुताबिक मकतूल पुनीत माना कथा में किराए पर रहता था, इसके पिता और नाना के बीच में बनती नहीं, और ये किराए का ऑटो चलवाता था। अचानक लखपती हो गया इस बात है भाई, इसके नाना की इकलौती संतान थी इसकी माँ, और ये अपने माँ बाप की इकलौती संतान था। वैसे इसके नाना ने प्रॉपर्टी में काफी पैसा बनाया, अपने माँ बाप के जाने के बाद ये पूरी संपत्ति उसकी। लेकिन वो अपना स्टेटस बदल नहीं पा रहा, लगता है कि इसकी संपत्ति कब्जाने के चक्कर में किसी ने। अब ये तो उसकी बीवी ही बताई थी, हमारे पास उसके सिवा कोई सुराग भी तो नहीं है। अभी उगलेगी सारे राज, उसी को इंटरोगेट करना पड़ेगा। चलिए चलिए, वही बोलेगी। हम लोग इनका इंतजार कर रहे थे, देर काफी हो चुकी थी। देखिए आपको हमारी मदद करनी ही होगी, आपको बताना ही होगा। इसमें हमारा आपके पति हो। मैं कैसे बता सकती हूँ इंस्पेक्टर साहब? किसी पे आपको शक नहीं है? जी नहीं। कैसे मारा गया? हत्यारे घर में कैसे घुसे? आपके साथ घर में कौन कौन थे? मेरा भाई था चंद्रशेखर। तो वो कहाँ है? वो तो डर के मारे उसी वक्त चला गया। ये क्या कह रही है, डर के कहाँ चला गया? नहीं, उसी ने तो नहीं सटा दिया अपने जीजा को? नहीं नहीं फिर साहब, वो तो मेरे पास था। घर का दरवाजा किसने खोला? जी वो घर का दरवाजा किसने खोला था? तो पुनीत घर के अंदर आया, घर का दरवाजा किसने खोला था? जी पता नहीं, मैं सो रही थी शायद। शायद क्या? आपने नहीं तो चंद्रशेखर ने खोला होगा। कहा ना सो रही थी। मीनू के जवाब